जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है जो पूरे सत्र के लिए बंद कर दिए गए हैं संभागीय आयुक्त कार्यालय में आज पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत संभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार जिला कलेक्टर रविन्द्र ठाकरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुम्बेशकर ने इस बारे में बात की है और चौदह दिसम्बर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल शुरू किए जाएंगे जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के साथ साथ मृत्यु दर को कम करने के लिए सोमवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा सार्वजनिक स्वच्छता पुलिस प्रणाली से सभी वरिष्ठों ने भाग लिया इस बार स्कूल शुरू करने का सवाल उठा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुमेसकर ने स्पष्ट किया की कि जिले के सभी शिक्षकों ने कोरोना के संबंध में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है उन्होंने यह भी कहा की स्कूल शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गयी है जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने कहा की स्कूल शुरू करने के लिए शिक्षक बहुत सकारात्मक थे और सहयोग किया एक सामान्य भावना है कि छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए जब कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को ऑनलाइन सुविधाएं तक पहुंचाई नहीं है इसलिए उन्होंने दावा किया की कि छात्रों को कोरोना के बारे में स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा दिए गए सभी सुरक्षा नियमों और विनियमों के अनुपालन में स्कूलों में फिर से शिक्षित किया जाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां स्कूलों को शुरू करने के लिए अभिभावकों की भारी मांग है उस समय नितिन राउत ने यह बात कही उन्होंने कहा कि अभिभावक शहरी क्षेत्रों में स्कूल को जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं इसलिए एक स्कूल शुरू करने के लिए एक निर्णय लिया जाना चाहिए कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा की चौदह दिसम्बर ऐसी स्कूल शुरू करने के लिए पूरी व्यवस्था तैयार है इसलिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल चौदह दिसम्बर ऐसी शुरू होंगे नगर निगम स्कूल हालांकि दिसंबर के अंत तक शुरू हो हो जाएगी नगर आयुक्त राधा कृष्ण बी के द्वारा दिया गया इसलिए नागपुर शहर के नगर पालिका क्षेत्र में स्कूल दिसंबर के अंत से या एक जनवरी से शुरू होंगे उन्होंने इस समय संकेत दिया नागपुर जिले में बड़ी संख्या में शिक्षकों का निरीक्षण किया गया जिले में दो प्राथमिक विद्यालय है एक माध्यमिक विद्यालय है नगर पालिका क्षेत्र में लगभग पाँच स्कूल है एक लाख चौतीस हजार पाँच सौ सत्ताईस छात्र प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों ग्रामी में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं, जबकि शहरी स्कूलों में लगभग एक लाख बयालीस हजार दो सौ बीस छात्र पढ़ रहे हैं। कोरोना के प्रचलन के कारण ये सभी छात्र वर्तमान में स्कूल से दूर रहे हैं।